देख रहे कितनी खतरनाक है। बड़े लोग एडवेंचर चल रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली ब्लॉग। कैसी जगह लेके चलो जहाँ सुंदर सुंदर लोग दिखाई देते हो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग्स। बड़े दिनों बाद आज फिर से लेके आ गया हूँ एक नई जगह। मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि गला मेरा बैठा हुआ है, इस वजह से काफ़ी टाइम से व्लॉग बना नहीं पा रहा था। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही धमाल करने वाले हैं। दिल्ली में ये जगह है और बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो एक तरीके से ये एक छुपी हुई जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली जगह है, ये बच्चों के लिए है। मेरे साथ मेरी बहन का एक बेटा आया हुआ है। क्या कहाँ गया? कहाँ जाएगा? जा जा जा। अबे तो दोस्तों, ये एंट्री करते ही सबसे पहला किड्स सेक्शन है और इसमें बच्चों के लिए है। 5 साल से कम के बच्चे आ सकते हैं। तो देखो ऐसे भैन बनाए गए हैं, ड्रैगन हिप्पो के, ये हिप्पो कार्टून है। तो इसके अंदर से एक टनल है और जिसमें हम पूरा घूम के जा सकते हैं, जैसे वो अपना बच्चा भी गया था। और छोटे छोटे बच्चों के लिए चीज़ें हैं, ये जंपिंग करने के लिए है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनको चोट वगैरह ना लगे। तो ये बच्चों का है बिल्कुल। देखो छोटी सी गाड़ी है और ये स्लाइडिंग वाला है और आगे भी झूला है। तो ये सब कुछ बच्चों के लिए है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अभी चलते हैं बड़े वालों के लिए, अभी हो चुका है इनका छोटे बच्चों वाला। तो दोस्तों यहाँ भी आपको सुंदर सुंदर लोग देखने को मिल जाएंगे। तो आज फाइनली फिर से मैं लेके आ गया हूँ। कई लोगों की डिमांड थी कि ऐसी जगह लेके चलो जहाँ सुंदर सुंदर लोग दिखाई देते हों। तो ये एक सुंदर सुंदर लोगों की भी जगह है। जैसे मेन वाले में आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे कैंटीन वगैरह मिल जाएगी, सामने एक दो स्टॉल और मिल जाएंगे उस तरफ। तो दोस्तों अभी ट्री टॉप एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। तो अभी कैसी है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार खुद ही आया हूँ ट्री टॉप एक्टिविटी करने के लिए। आपको दिखाऊंगा जब ऊपर चढ़ जाएंगे तब। तो चलिए चलते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। इस जगह पर रस्सी पकड़नी पड़ती है, काफ़ी ऊँचाई पर आ गया। देखो आओ, अच्छा ऐसा कुछ है। रस्सी पकड़ो, रस्सी, बिना रस्सी के नहीं आ पाओगे इधर। ये भाई पेड़ों से जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, ये सारे अगल बगल पेड़ों में जुड़ा हुआ है ये, तो इसीलिए इसको ट्री टॉप एक्टिविटी कहते हैं। तो आगे और खतरनाक है, आपको दिखाता हूँ मैं। जाओ देखो ये सामने वाली एक्टिविटी दूसरी। खड़े खड़े जा, गिरते हुए जा, ढनकते हुए जा, जाओ तू जा, तू जा आगे, उसका हालत खराब है। 100-200 और ले लो, नीचे उतार दो, हालत खराब हो गई। अरे नहीं, नीचे नहीं गिरेगी भाई, बीच में रहियो, बीच में रहियो, किनारे मत जा, बड़ी बड़ी जाली लगी है, पैर घुस जाए। अब इस टनल के अंदर जाना, अंधेरी टनल के अंदर। देखो भाई रस्सियां लगी हुई हैं, किस तरीके का बना हुआ, खतरनाक। ये ज़्यादा खतरनाक है, ये वाला तो आसान था। चला चलो, भयानक खूंखार अंधेरी टनल में जाने का। चलते हैं हम अपनी बैठी हुई आवाज़ लेके। तो हमारी आवाज़ बैठ गई है, हम भी यहाँ बैठ गए हैं। देख लो कितनी खतरनाक है। और ये नीचे देखो, ये रस्सी, इसके अंदर पूरा अंधेरा है। डर और लग रहा है, लोगों को, बच्चों को तो ज़रूर आना चाहिए, मज़ेदार जगह है। और सबसे सस्ता एडवेंचर पार्क है भाई, 300 रुपये में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर आप सिर्फ एंट्री फीस जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मात्र 25 रुपये में ऐसी भयानक जगह एंट्री फीस है एडवेंचर पार्क की। तो या अभी देखो, ये अगली भी एक्टिविटी होने वाली है और इस पर चल के जाना है हमको। सोचो कितना भयानक है। और आपको जो किनारियाँ दिखती ना बाहर नीचे, उससे और ज़्यादा डर लगता है कि गिरे तो गए।
देखो कुछ इस तरीके की लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इन पे चल के जाना है। और आप नीचे देखो, ओए गिरे तो गए। तो इनको भी लेके आए थे, हमने कहा चलो आपको भी कुछ नया एडवेंचर करा देते हैं। आजकल तो मेरा नाम एडवेंचर में ही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाना नहीं है काफ़ी टाइम तक, तो दिल्ली में रह के मैंने जितने एडवेंचर हैं सारे कर लेने हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नंबर आ गया, चलते हैं अपनी एडवेंचर एक्टिविटी में। गिरूंगा नहीं भाई, गिरूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं। ये देखो ये नेक्स्ट वाली है, ये टनल है, ये और खतरनाक लग रही है। ये देखो ये कितना सुंदर वन है ये, और बीच में इसके झील भी है, और बोटिंग होती है। अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए। और दिल्ली में झील मतलब बड़ी गजब की जगह है। ये आप देखो बिल्कुल पुल वगैरह बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो ऐसा ब्रिज लग रहा है लद्दाख जाते हुए जो रास्ते में मिलते हैं ना, वैसे ही है कुछ। और बहुत प्यारी हरियाली, और ये वन है संजय वन कहते हैं, संजय झील भी है, इस झील का नाम है EOD एडवेंचर पार्क, मयूर विहार में है दिल्ली के अंदर ही, जिसके अंदर एक झील भी है और नाव चलती है। बोटिंग करेंगे अभी इसके बाद हम, और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ आते हैं तो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं दिल्ली के अंदर में। और इतना बड़ा पार्क, इतना बड़ा एडवेंचर पार्क मैं कहूँ तो इस रेट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तब भैया बताओ कैसा लगा, तो पैसा वसूल है? अच्छा लगा। तो देखो भाई अंदर फोटोग्राफी चल रही है टनल के अंदर ही, फोटोशूट अपना। जितनी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं ज़्यादा एडवेंचरस होती चली जा रही है। और इसमें लगातार सरकते चले गए, पिछवाड़ा घिस जाता है। गई 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 भाई, पीठ छिल जाएगी जो आए इसमें, थोड़ा आसानी से जाएँ। है तो मज़ेदार मगर कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता, लाल लाल हो जाती पीछे। तो अपने भाई बंधु अब जाने वाले हैं। ओ ओ जा 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 जा। हमारे यहाँ पे जो बस होती है ना गांव से जो निकलती है, वो ऐसे जा 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 चिल्लाती हैं। तो दोस्तों मेरा नंबर आ गया, मगर अब मेरी फट रही है क्योंकि अकेले मुझे जाना है, और ये सरकती बहुत ज़्यादा है, सरकती बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे सरक जाऊँगा, डर बहुत लग रहा है यार, मेरी फट रही है, जल्दी फटती नहीं है मेरी। एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा खास नहीं है ये, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाली थी अपनी, ये टनल कब कहाँ से घिस जाए पता नहीं चलेगा। शायद फ़ोन में देख के उतना खास नहीं लग रहा होगा, मगर मज़ा बहुत आ रहा है सही में एकदम। ये देख लो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो दोस्तों पहली एक्टिविटी में करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आगे रहूँगा और मेरे सारे मिलिट्री आर्मी पीछे रहेंगे। हाँ चार इधर से और चार इधर से, बाकी मेरे पीछे। हेलो दोस्तों, इस तरीके का जितना भी एडवेंचर था ये हो गया पूरा, ये है लास्ट जिस पे हम जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये हो गया ख़त्म, और मान लिया अब नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो गाड़ी ऐसे ऊपर वाली एडवेंचर कंप्लीट, और नेक्स्ट चलते हैं और मज़ेदार जगह। दोस्तों ये वाली जगह है जहाँ पे रेन डांस होता है, मतलब ऊपर से बारिश कराई जाएगी, नीचे आप डांस करेंगे, डीजे चलेगा। अच्छा ये वाली जगह लेके आया मुझे ये, मैंने कहा कहाँ लेके जाएगा। अच्छा ये निकालेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा, ये लो ये लो। नहीं गई, ओए नहीं लगी, लगी 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 बीच में, मार बीच में। हिरनबाजी कर रहा है देखो ये, मार भाई मार मार मार, मार। तो भाई अब पूल बॉल वाली एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो बॉल फेंकते हैं और सारे वो गिराते हैं बॉटल्स। तो दोस्तों कुछ ऐसी एक्टिविटी है, हाँ
टिकट अप्रूव करवानी पड़ती है तो आपको नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, तो हमको 6 नंबर मिला हुआ है ये वाला। जितने लोग हो आप उसमें एंट्री करवाइए, 4 लोग आप खेलेंगे तो यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट होगा कौन जीता और कौन हारा। तो कुछ इस तरीके से ये गेम है, इसको बॉलिंग कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। ये भी बड़ों वाला गेम है, 18 साल से ऊपर के लोग खेलते हैं, हम 5 साल वाले बच्चे को खिला रहे हैं, उसको अलग ही मजा आ रहा है। तो उठाया तो जा नहीं रहा है, उसके वजन से ज्यादा बॉल का वजन है। अरे हेलो वेलकम बैक टू एसी दिल्ली ब्लॉग, आज मैं खेलने आया हूँ, खेलने ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो अलग जगह है और वो कह रहा है कि मुझे ये बॉलिंग करनी है। तो भाई सेम कॉम्प्लेक्स में ये वाले गेम भी हैं, मतलब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो और इस तरफ टेबल टेनिस टाइप ये भी है, तो ये भी खेला जा सकता है। यहाँ से अभी हम आएंगे, एक घाट घंटे में जाएंगे। हाँ हाँ देखेंगे, रुक जा। पूरा भीग गया, पूरा भीग गए। तो भाई ये रेन डांस है, बहुत मजा आ रहा है, पानी का फुहारा में नहा के मगर तुरंत गीले हो जाए, एक चक्कर मार के आए हम पूरा गीले हो गए, तो इतना जबरदस्त। चेंजिंग रूम तक है यहाँ पे, सब है, सब है, चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ है, बहुत ही मजेदार जगह है। पता कैसा लगा नहा के? अजीब सा लग रहा है, रियल रिव्यू है ये, अजीब सा नहीं, बहुत मजा आया। कपड़े लेके नहीं आए थे, नहीं तो बहुत मजा आया ना, मिस कर दिया, कपड़े लेके आने चाहिए थे, बहुत मजा आता। तबीयत खराब है मेरी सच में, भैया के कपड़े पहना दिए थे, इसका टी-शर्ट गीली हो गई है, है ना? ठीक है ठीक है। लो भाई इसके अंदर अमरूद भी आए हुए हैं, बहुत सारे हैं, छोटे छोटे अभी कच्चे हैं, इसके अंदर मजा आ रहा है। मैं बहुत भीग चुका हूँ, मतलब मेरा पैंट वैंट सब कुछ गीला हो चुका है, सिर्फ मैं टी शर्ट पहना हूँ नया वाला, लेकिन पैंट मेरा गीला ही है। अब अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, फिर बोटिंग करने के बाद जाएंगे खाना खाने। तो भाई बोटिंग प्लेस पे आ गए हैं, यहाँ से आगे चल के जाएंगे बोटिंग के लिए। ये है अपनी संजय झील, संजय लेक कहते हैं। चलो भाई चलते हैं बोटिंग की तरफ। अब हमारी बारी है। तो भाई हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, बहुत मजा आ रहा है चलाने में। ओ नहीं, नहीं।
बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है। काट ले काट ले काट ले काट ले दाए को काट दाए को दाए को वो छोड़ो कहीं फंस गए से घास के अंदर तो रह जाएंगे। ले चलो भाई हमारे नाव को सुंदर सुंदर लोगों के पास ले चलो। अरे वो ज्यादा लोग हैं हमें बचा देंगे। उधर चलो उधर उधर। तो भाई खाने सोने की पूरी व्यवस्था है अपने बोट के अंदर। आराम से लेट गया हूँ। 5 फुट गहरी झील है ये, डूबने का कोई चांस नहीं है। फुल मजे करो इतने इतनी तेज रॉकेट। 5 से ज्यादा मैं नहीं डूबूंगा। अगर दलदल हुई तो नीचे घुस जाएंगे पानी से ज्यादा। अगर दलदल हुई बच्चों वाले सेक्शन में आ गए। ये बच्चों वाली जगह है। यहाँ पे किड्स के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे ये रेलगाड़ी इस तरफ भी है, एक रेलगाड़ी इस तरफ भी है। ये भाई ये चढ़ गया। जाल में फंस जाओगे। तो भाई ये अगली सुरंग है। मिकी माउस हाउस। मिकी माउस हाउस। ये देखो भाई कहाँ से निकलेंगे। यहाँ से एंटर किया इन्होंने। ये आगे से जाते जाते ये देखो यहाँ से कहीं से भी निकल सकते हैं। ये मिकी माउस हाउस है। एक तरीके से भूल भुलैया टाइप है। इसमें काफ़ी सारे डोर हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ से ये लोग निकलते हैं। एक वो पीछे डोर है, एक डोर ये रहा। मेरे उम्मीद से यही निकलेगी। ओए ये निकल गया निकल गया। निकल 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 क्या। आ जा 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 आ गया। सही मजा आया। और खतरनाक वाला तो अब आया है। असली खतरनाक वाला ये है। तो दोस्तों बच्चे वाली एक्टिविटीज भी सारी करवा दी हैं और उसके बाद चल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए फूड कोर्ट में। खाना पीना खाते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। बहुत देर से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार जगह है और पैसा वसूल है। तो भाई यहाँ पे आपको एक ढिंचक ढाबा मिल जाएगा। इसके अंदर में जो स्कैनर लगे हुए हैं ये पॉइंट्स, ये आप गूगल लेंस से स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको जो भी यहाँ खाना है वो सब कुछ मिल जाएगा। देखो कुछ ऐसे हैं। और ऑर्डर करने के बाद लगभग 10 मिनट में खाना आ जाता है। मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और खाना आप रिसीव काउंटर से कर लो। और बैठ के खाने के लिए कुछ ऐसी जगह हैं, आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी जगहों पर आप बैठिए, बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ एक और अच्छी चीज़ है कि वॉशरूम, पानी पीने और धोने दोनों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो पानी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये असली एडवेंचर चल रहा है। सुंदर सुंदर लोग हैं। तो दोस्तों ये हमने अमृतसरी थाली ऑर्डर करी है। ये हमने तो देख लो इसमें क्या क्या है खाने को। कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पानी वगैरह अलग से लिया है। ये पानी है और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक। बाकी खाने में छोले हैं और चटनी और ये सब पराठे हैं। मक्खन वगैरह लगा हुआ है और बाकी इसमें डेजर्ट एक कुछ स्वीट रह रहा है तो भी मीठा मिलेगा इसके बाद। तो
दोस्तों एडवेंचर पार्क की एडवेंचर सारे ख़त्म हो चुके हैं, सारी मस्ती हो चुकी है, बहुत मस्ती कर ली, खाना वाना खा के फुल हो चुके हैं। अब हिम्मत नहीं बची और कुछ करने की, चलते हैं अब घर। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, देखते रहिए इसी दिल्ली ब्लॉग्स। बाय बाय।